नमस्कार, मैं रवीना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। तिरुड़ा विधानसभा क्षेत्र विधायक विजय राहंगडारे एक एक कार्यकाल में लगभग चुनावी जुमलों की बाढ़ आई हुई है, ऐसा तिरुड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव एकोड़ी के जनता ने कहा है। आइए देखते है एकोड़ी के जनता का क्या है कहना। हम लोग इस वक्त मौजूद है एकोड़ी ग्राम में। यह ग्राम जो है तिरुड़ा विधानसभा क्षेत्र का गाँव है, लेकिन यह ग्राम जो है यह गोंदिया तहसील के तहत आता है। इस गांव के जो विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक है विजय राहंगडारे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और लगभग वो विधायक के पहले 5 वर्ष उनका कार्यकाल जिला परिषद के मेंबर के तौर पर भी उनका कार्यकाल बीता हुआ है। और अभी पिछला उनका कार्यकाल अभी जो हाल ही में अभी जो सामने चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव के दौरान उनके 5 वर्ष कंप्लीट भी हो रहे हैं। तो हम जानने का एकोड़ी ग्राम के शहर के जो ग्राम है इस के जगह के कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विजय राहंगडारे जो विधायक है वो उनके क्षेत्र के विकास में सफल रहे कि असफल रहे। क्या नाम है आपका? पंकज मेश्राम। मेश्राम जी बताइए, ये जो विजय राहंगडारे जी है ये विधानसभा तिरोड़ा के विधायक है, तो इनके माध्यम से आपके गांव में वगैरह कोई योजना वगैरह चली है? योजनाएं तो चली है, लेकिन जिस मात्रा में योजनाएं चलना था जो समाधान कारक नहीं है योजनाएं। अभी रोड का जैसे काम हो रहा है, तो रोड का काम 6 महीने से खोद के रखे तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा। फिर यहाँ की रोजगार की सबसे बड़ी, यहाँ के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की है। अच्छा। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं है। अब ये जो बीजेपी शासित गवर्नमेंट है, इसी पार्टी के यहाँ से विधायक है, ये 4 साल तो दिखे नहीं। अभी 1 साल में इन्होंने दौरे चालू किए विधानसभा, जब चुनाव आ रहा है तब दौरे चालू किए। आपका कहना है कि पिछले 4 वर्ष आपको दिखे नहीं है? नहीं, अभी हाल ही में 1 वर्ष पहले दिखे। 1 वर्ष पहले और अभी 3 महीने पहले, जब इलेक्शन 3-4 महीने बचा, ऐसे में सिर्फ कार्यकर्ताओं को, ठेकेदारों को काम बांटने, गाँव में काम बांटे, रोड रास्ते नाली, ये अब ये काम हो गए कि नहीं होंगे, ये इलेक्शन अभी इलेक्शन चालू हो गया तो ये कहने जुमले टाइप इन्होंने काम बांट दिए कि भाई हमको फिर से चुन के दिया जाए। अच्छा। लेकिन इनका कोई समाधान कारक कार्य यहाँ हुआ नहीं। बेरोजगारी बहुत बड़ी है, किसानों की समस्या है, किसी भी अभी पिछले आपके गांव में जो किसान सम्मान योजना के तहत कुछ पैसा वगैरह बटा है आपके? अभी पैसा कुछ लोगों को मिला है, जैसे मैं खुद लाभार्थी हूँ। हाँ। अभी कुछ लोगों को 2-2 किस्त मिली है, मुझे तो 1 भी किस्त नहीं मिली। और बहुत सारे ऐसे किसान है जिनको अभी तक 1 किस्त भी नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे इन्होंने किसानों के लिए वादे किए थे, लेकिन आज किसान की सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को सुलझाने का प्रयास इन्होंने अभी तक नहीं किया। सिर्फ जुमलों में ही सरकार 5 साल तक चली और आगे भी ये जुमलों में ही सरकार चलाने का प्रयास करेंगे। और क्या लगता है कि ये जो पेट्रोल वगैरह के जैसे अभी दाम बढ़े हैं, तो ये शायद जनता का ध्यान भटकाने के लिए है क्या ये सारी चीज़ें? ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए है, और ताकि जो बड़े असली मुद्दे हैं, असली मुद्दों को दबाया जा सके, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाना, ये और एक तो इलेक्शन भी है अभी, अब इनको पैसा भी चाहिए तो इस माध्यम से वो पैसा भी जुटाना चाहते हैं। और ऐसी बहुत सारी, जैसे यहाँ पे अभी बीजेपी जब सत्ता में आई थी 2014 में, तो इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ के लोगों को, अभी ये स्थानीय आमदार जो है इन्होंने भी वादा किया था कि हम यहाँ के युवाओं को रोज़गार देंगे। अदानी में जो अदानी पावर प्लांट है, वहाँ पे बहुत सारे बाहर के आते हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोज़गार के लिए यहाँ के आमदार ने अभी तक प्रयास नहीं किया। ये 2019 के 14 के पहले यही लोग, बीजेपी के लोग, ये सड़कों पे आके वो धान की बालियाँ लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन रास्ता रोको करते थे। इनकी सरकार जब आई तो ना किसानों को भाव मिला, ना युवाओं को रोज़गार मिला, तो अभी ये लोग सड़कों पर उतरते नहीं दिखाई देते, और वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे। अच्छा, यानी आपको लगता है कि इनके जो वादे हैं वो टोटली विफल है? विफल है, काम कुछ नहीं है, सिर्फ बातें और बड़ी बड़ी बातें, और जुमलों में ही इन्होंने 5 साल निकाल दिए। जुमलों में ही 5 साल निकाले। क्या नाम है आपका? हबीब भाई शेख। शेख जी बताइए, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, इनके कार्यकाल में आपको क्या लगा कि विकास? कोई ये नहीं है, इनके बीजेपी सरकार तो बेकार रही है। अच्छा, क्या इनका ऐसा है, बड़े बड़े लोगों को साथ देते हैं, गरीबों को तो कोई पूछते ही नहीं। बराबर। क्या उनके पास में जाओ, अब ये विजय जी राहंगडारे चुनाव के टाइम में खड़े होते हैं और अभी इधर एक भी सूरत नहीं बताते। अच्छा, सिर्फ चुनाव के तक के बोलते हैं। तो अभी आपको यानी आपको वो पिछले 5 वर्षों में कितनी दफा इस गांव में आए? कुछ भी ऐसे आए, पर वो मिलते किसको? जातिवाद वाले को।
अच्छा जातिवाद जातिवाद पे चल रहा है यहाँ। अच्छा तो यानी आपको उन्होंने अनदेखा करके रखा, समाधान नहीं है इनसे, आपको समाधान नहीं है, यानी आपको लगता है कि इनका जो राजनीतिक ये जो है ये पैसे वाले और गरीबों के ऐसे दो अलग अलग है, नहीं गरीबों का हित नहीं है, गरीबों के हित में नहीं काम करते हैं। क्या नाम है आपका? विवेकानंद साखरे। साखरे जी बताइए, विजय रांगडाले जी के कामों से आप खुश है कि ना खुश है? नहीं। खुश है कि ना खुश है? नहीं 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 है क्या आप खुश? अच्छा आपको क्या लगता है राजनीति में जैसे इन्होंने जो वादे किए थे जब चुनाव में सत्ता के पहले आने के पहले, वो वादों पे ये खड़े उतरे कि नहीं उतरे? खड़े उतरे। तो कैसे खड़े उतरे? रोजगार वगैरह मुहैया कराया आपके गांव में? जी। क्या रोजगार मिले आपके गांव में बताइए ना। किसानी का तो रोजगार जो होता है वो गांव का एक स्वतंत्र रोजगार होता है, बाहर से कैसे अदानी वगैरह में कहीं रोजगार मिल पाया है किसी को? मिलते हैं कभी कभी। अच्छा किसी को मिलते भी नहीं काम? अच्छा काम नहीं मिलते अभी और एक थोड़ी समस्या। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रीतम शरणागत है। अच्छा शरणागत जी बताइए, आपके जो विधायक है यहाँ के विजय रांगडाले जी, हाँ जी, उनके कामों से आप खुश है क्या ना खुश है? अब उनके काम बोलने से किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप? तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र। तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र। हाँ तो किसानों के हित में, किसानों के हित में क्या काम किया उन्होंने? किसानों के हित में तो चल रहा है उनका। क्या चल रहा है बताइए ना, क्या है उनका विशेष कोई कार्यक्रम? क्योंकि अभी तो चुनाव आ गए हैं, अभी तो कोई घोषणाएं नहीं हो सकती, ना ही कोई कुछ हो सकता है। अभी मजदूरों को पेटे वगैरह दिए? हाँ तो मजदूरों को, ये श्रम मंत्रालय की है। हाँ श्रम मंत्रालय की है। और हमको, हमारे पास तो ऐसी कुछ लोगों ने गाँव में जानकारी मिली है कि जिन लोगों को यह जो साहित्य है वो जो पेटी के अंदर जो सामान होता है वो सामान की जिनको आवश्यकता है, जो मजदूर है एक्चुअली जो मजदूर है उनको नहीं मिले, कार्यकर्ताओं में ही बटे है करके ऐसा ये तुमसर विधानसभा क्षेत्र के तुमसर शहर में ही हमें बताया गया था। नहीं इस बारे में मुझे मालूम। अच्छा आपको इस बारे में, अच्छा क्या लगता है कि जो सड़कें वगैरह हैं इन्होंने पिछले 5 वर्षों में बनाने का काम जो है वो प्रयास किया कि नहीं किया था इन्होंने? क्योंकि अभी इन्होंने बनाया है ऐसा हमको जानकारी मिली है। नहीं तो नितिन जी गडकरी के हिसाब से जो पहले से चलते आ रहा है, गडकरी साहब का तो सेंट्रल का है लेकिन हाँ। स्थानीय विकास में भी इनको सड़कें वगैरह बनानी होती है विधायक। हाँ, अभी एक साल से दिख रहा है, एक साल से ही आपको जो विकास है वो अभी हाल ही में दिख रहा है, 4 साल ठंडे बस्ते में विकास था। क्या समस्या है बताइए ना? कि 2014 में और 19 में ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी की एक देश में छवि बनी थी कि इस देश में एक ओबीसी चेहरा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन आज गोंदिया भंडारा में जो पुलिस भर्ती की जगह निकली है उसमें ओबीसी के लिए और एससी के लिए एक भी जगह नहीं है। यहाँ के स्थानीय आमदार भी ओबीसी समाज से आते हैं और ये इनको हम अपना जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, तो हम ये ओबीसी समाज से, अभी हमारे बहुत सारे ओबीसी युवा इस बात से नाराज़ है कि एक भी जगह उनके लिए नहीं है, तो हम इनसे, इनको जब प्रतिनिधित्व देते कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते तो ये एक तो विधायिका संसद में और विधानसभा में जाके ये जिस समाज से चुन के जाते उस समाज की आवाज़ उठाते नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या है ओबीसी के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, उनका आरक्षण छीना जा रहा है, ये सब समस्याओं को जब हम इनको चुन के भेजते तो इन्हें बोलना चाहिए, लेकिन हमने सिर्फ सांसद और विधायक सिर्फ इसलिए चुन के देते हैं कि नाली रोड रास्ते, हमको लगता है कि बस यही काम के लिए सांसद और विधायक चुनाए जाते हैं, लेकिन असली काम इनका कानून बनाना होता है, वहाँ बोलने के लिए इनको भेजा जाता है, लेकिन वहाँ ये बोलते नहीं है। आज सबसे बड़ा जो संविधान पे इस देश में खतरा है और सबसे बड़ा है जो आरक्षण पे, तो ये समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या है ओबीसी विद्यार्थियों की, तो इस समस्या पे भी ये सरकार खरी नहीं उतरी है। साहब एक बात है। हाँ बोलिए ना। नरेंद्र मोदी ने बोला था जब चुनाव के टाइम 2014 में बोला था कि जनधन योजना तुम्हारे खाते में 5-5 लाख रुपए आएंगे, तो सारे 5 पैसे मिले, उसने कम से कम 25,000 करोड़ खाते, तो 2500 रुपये के खाते से कम 25 करोड़ रुपया जमा, 25,000 करोड़ रुपये जमा आए, क्या फ़ायदा है ऐसे अपने बीजेपी सरकार को लाने के? और फिर उसके बाद में बीड़ी बांधने वाले बेचारे कर्मचारी लोग जिसने अपनी जान बिता दिए, सब कर दिए, गवर्नमेंट सामान्य को बढ़ा रहे 7वां वेतन पगार और बिड़ी आदमी को दे रहे 1,000 रुपये पगार, 1,000 रुपये पेंशन, क्यों बेचारे आँख फोड़ फोड़ के बेचारे सेठ लोगों को फायदा किए, 3,000 रुपये का वादा किए लेकिन 3 पैसे भी नहीं मिल रहे। लगभग देखा जाए तो एकोड़ी ग्राम में भी काफ़ी समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं
और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने इस क्षेत्र को हाल ही में अभी उन्होंने विकास की राह पर लेके आए थे। पिछले 4 वर्षों में तो स्थानीय लोगों ने उनको कोई विकास के कामों में देखा नहीं था, और लगभग अभी ये जो आपके सामने विकास दिख रहा है या जो भी अभी जो काम शुरू है या जो भी समस्याओं के जो अंबार लगे हैं जिन्हें निपटाने का कोशिश की विधायक की ओर से की जा रही है, ये केवल और केवल चुनाव के मद्देनज़र ही किया जा रहा है, ऐसा इस गाँव के लोगों से हमको जानकारी मिल गई है। हम लोग इस वक्त मौजूद है एकोड़ी ग्राम में। यह ग्राम जो है तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र का गांव है, लेकिन यह ग्राम जो है यह गोंदिया तहसील के तहत आता है। इस गांव के जो विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक है विजय राहंगडाले, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और लगभग वो विधायक के पहले 5 वर्ष उनका कार्यकाल जिला परिषद के मेंबर के तौर पर भी उनका कार्यकाल बीता हुआ है, और अभी पिछला उनका कार्यकाल अभी जो हाल ही में अभी जो सामने चुनाव आ रहे हैं इस चुनाव के दौरान उनके 5 वर्ष कंप्लीट भी हो रहे हैं। तो हम जानने का एकोड़ी ग्राम के शहर के जो ग्राम है इस के जगह के कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विजय राहंगडाले जो विधायक है वो उनके क्षेत्र के विकास में सफल रहे कि असफल रहे। क्या नाम है आपका? पंकज मेश्राम। मेश्राम जी बताइए, ये जो विजय रांगडाले जी है ये विधानसभा तिरोड़ा के विधायक है, तो इनके माध्यम से आपके गांव में वगैरह कोई योजना वगैरह चली है? योजनाएं तो चली है, लेकिन जिस मात्रा में योजनाएं चलना था जो समाधान कारक नहीं है योजनाएं। अभी रोड का जैसे काम हो रहा है तो रोड का काम 6 महीने से खोद के रखे तो वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा। फिर यहाँ की रोजगार की सबसे बड़ी, यहाँ के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की है। अच्छा। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं है। अब ये जो बीजेपी शासित गवर्नमेंट है, इसी पार्टी के यहाँ से विधायक है, ये 4 साल तो दिखे नहीं। अभी 1 साल में इन्होंने दौरे चालू किए विधानसभा, जब चुनाव आ रहा है तब दौरे चालू किए। आपका कहना है कि पिछले 4 वर्ष आपको दिखे नहीं है? नहीं, अभी हाल ही में 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले और अभी 3 महीने पहले, जब इलेक्शन 3-4 महीने बचा, ऐसे में सिर्फ कार्यकर्ताओं को, ठेकेदारों को काम बांटने, गांव-गांव में काम बांटे, रोड रास्ते नाली, ये अब ये काम हो गए कि नहीं होंगे? ये इलेक्शन, अभी इलेक्शन चालू हो गया, इनका कोई समाधान कारक कार्य यहाँ हुआ नहीं। बेरोजगारी बहुत बड़ी है, किसानों की समस्या है, किसी भी अभी आपके गांव में जो किसान सम्मान योजना के तहत कुछ पैसा वगैरह बटा है आपके? अभी पैसा कुछ लोगों को मिला है, जैसे मैं खुद लाभार्थी हूँ। हाँ। अभी कुछ लोगों को 2-2 किस्त मिली है, मुझे तो 1 भी किस्त नहीं मिली, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक 1 किस्त भी नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे इन्होंने किसानों के लिए वादे किए थे, लेकिन आज किसान की सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को सुलझाने का प्रयास इन्होंने अभी तक नहीं किया। सिर्फ जुमलों में ही सरकार 5 साल तक चली, और आगे भी ये जुमलों में ही सरकार चलाने का प्रयास करेंगे। और क्या लगता है कि ये जो पेट्रोल वगैरह के जैसे अभी दाम बढ़े हैं, तो ये शायद जनता का ध्यान भटकाने के लिए है क्या ये सारी चीज़ें? ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए है, और ताकि जो बड़े असली मुद्दे हैं, असली मुद्दों को दबाया जा सके। इस प्रकार के मुद्दे इन्होंने, पेट्रोल के दाम बढ़ाना ये, और एक तो इलेक्शन भी है अभी, अब इनको पैसा भी चाहिए, तो इस माध्यम से वो पैसा भी जुटाना चाहते हैं, और ऐसी बहुत सारी, जैसे यहाँ पे अभी बीजेपी जब सत्ता में आई थी 2014 में, तो इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ के लोगों को अभी ये स्थान। ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र में हमारी चैनल की टीम गांव-गांव पहुंचकर दर्शकों आपको विजय रांगडाले विधायक इनके निष्क्रियता के प्रमाण आपको दिखाने का प्रयास हमारी टीम कर रही है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। साथ ही लिंक ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं, और आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद। बेबी। हाँ? नहीं, मैगी? हाँ प्लीज। ऑसम मैगी। वेज आटा मैगी। आटा मैगी? तुम बताते नहीं तो पता नहीं चलता। हाँ, कुछ बातें बता देनी चाहिए। रोड ट्रिप सॉन्ग्स ये क्यों? मैं गाऊंगी ना गोवा टू मुंबई, याद नहीं है वो कौन सा गाना था? याद है, इसीलिए।
बुरा गाते हो? बहुत बुरा। अपनों की कुछ बातें सरप्राइज कर जाती हैं, जैसे नई वेज आटा मैगी का ऑसम टेस्ट, जिसमें है सुनहरे गेहूं की गुडनेस, रंग बिरंगी सब्जियां और 20 चुनिंदा मसाले। नई वेज आटा मैगी, कुछ अच्छा पकाएं, आओ मैगी बनाएं। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ।